हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जैसा कि आप जानते हैं, छतरपुर ज़िले में फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जो लकड़ी है वो सागौना की पाई जाती है और दूर दूर से लोग यहाँ पर फर्नीचर ख़रीदने आते हैं। यहाँ पर जब हमने फर्नीचर बनाने वालों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ की जो बनाने की फिनिशिंग है भी बहुत अच्छी आती है और लोग ज़्यादातर सागौना का फर्नीचर पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग फर्नीचर बना रहे हैं और कितनी सफाई से बना रहे हैं। ये फर्नीचर की लकड़ी कहाँ से आती है, किस तरह से बनाते हैं आप लोग ये फर्नीचर? ये कारीगर वगैरह बनाते हैं और फिर हम लोग पॉलिश वगैरह करते हैं, फिर ये तैयार होता है, फिर बिकता है। 15,000 से लेके अपने यहाँ प्राइस हैगी 28,000-30,000 तक की रेंज में है। प्लाई वाला है ये है पलंग, ये हैगा 20,000 का, 15,000 का। तो लोग कहाँ कहाँ से लोग लेने आते हैं यहाँ पर? लोग बहुत दूर से आते हैं, दिल्ली, भोपाल, इंदौर। तो ज़्यादातर ग्रामीण लोग आते हैं या शहरी लोग आते हैं? शहरी लोग आते हैं और जो गांव के आते हैं वगैरह वो भी आते हैं। छतरपुर में लोग, मतलब छतरपुर का फेमस क्यों है ये फर्नीचर? ये छतरपुर का फेमस है, ये छतरपुर का। बाहरी के लोग आते हैं यहाँ, काम सफाई रहती है, सफाई से रहता है काम और लकड़ी भी सफाई से, डिजाइन में भी सब कुछ। क्या क्या नाम होते हैं मैम? जैसे ये आपको दिख रहा था, ये डबल हत्था है, चैंपियन हैवी पंजा है, नोवा जाली बतख वाला, मिनी गुलाब, डाइनिंग टेबल बहुत। तो सबसे ज़्यादा कौन सा फर्नीचर बिकता है मैम? सबसे ज़्यादा तो अभी यहाँ डिमांड पे है सबसे ज़्यादा हैवी पंजा, चैंपियन, डबल हत्था और इस समय अब नोवा जाली, बतख वाला, मिनी गुलाब। और इसके बाद अब धीमे धीमे शुरुआत हो रही कबट की, प्लाई बोर्ड में जो बनता है। लकड़ी मैम खरीद के आती है और कार्विंग करने वाला डिजाइनर होता है और गद्दी फोमिंग करने वाले हम लोग हैं। जैसे कि ये अब कार्विंग बना है, ये सागौना की लकड़ी है और ये सदगठी की लकड़ी है। और जैसे ये पलंग है, ये प्लाई में है और सागौना में है। आप क्या, मतलब कौन कौन सी वैरायटी का ये है फर्नीचर? सागौन के सारे फर्नीचर अवेलेबल हैं। तो लोग छतरपुर में क्यों आते हैं फर्नीचर खरीदने बाहर से? यहाँ की डिजाइनिंग फेमस है। लकड़ी कहाँ से लाते हैं आप? लकड़ी वन विभाग से मिलती है। तो कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? अपने आसपास के लिए के हर जगह के आते हैं। क्या अच्छा रहता है यहाँ पर? डिजाइनिंग कैसे लोग बनाते हैं, किस तरह से एक दिन कितना बन जाता है? वो तो कारीगर के ऊपर डिपेंड करता है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।